दोस्तों, अगर आप सभी लोग गेमिंग लवर हो तो एक न्यू गेम आई है जहां पर आप कार्ड गेम वीडियो कॉल के थ्रू खेल सकते हो एकदम रियल कार्ड के साथ। इसमें सेल्फ डिपॉजिट है और सेल्फ विड्रॉ भी है, और ये आईडी नहीं है, इसमें कोई स्कैमर नहीं है और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है। ये एकदम रियल गेम है जो लाइव खिलाई जा रही है, जो वीडियो कॉल के थ्रू चेक कर सकते हो ये लाइव है कि नहीं। तो गाइस, नंबर जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है जहाँ आप इनको मैसेज करके सारे डिटेल्स ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम अपना 14वां मैच खेलने वाली है गुजरात के खिलाफ, जो कि खेला जाएगा 19 मई को। अब ऐसे में दोस्तों, इस मैच में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है ऐसा माना जा रहा है। तमाम फैंस जो है ये चाह रहे हैं कि ये बदलाव हो जाए और आरसीबी टीम में एक नया खिलाड़ी शामिल हो जाए। तो क्या चेंज होने वाला है दोस्तों, क्या हेजलवुड सचमुच में बाहर जाने वाले हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या होगा रिप्लेसमेंट, कौन आएगा उनके प्लेस पर, क्या उन्हें सच में आरसीबी टीम बाहर कर सकती है, क्या है खबर, सारी अपडेट आपको मिलेगी। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम की गेंदबाजी इस बार काफ़ी अच्छी रही है, गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में अहम योगदान रहा है, सबसे अच्छा योगदान रहा है पहले तो मरिंदु हसरंगा का, इसके बाद जॉश हेजलवुड का, और इसके बाद हर्षल पटेल का। सिराज इस बार जो है थोड़े से लय में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की हुई है। अब ऐसे में दोस्तों, पिछले मैच में यानी कि पंजाब के खिलाफ हेजलवुड जो है थोड़े से महंगे साबित हो गए, जिसकी वजह से तमाम फैंस उनकी आलोचना करने लगे हैं। फैंस ये मान रहे हैं कि हेजलवुड को अब ड्रॉप कर दिया जाए अगले मैच के लिए, उनकी प्लेस पर जैसन बेरेंडॉफ को मौका दिया जाए। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक मैच से खिलाड़ी को जज नहीं किया जा सकता है। हेजलवुड ने इस मैच के पहले आरसीबी टीम के लिए जिस तरह की गेंदबाजी की है, उन्हें टीम ड्रॉप नहीं कर सकती है। हेजलवुड हमें आखिरी मैच भी खेलते हुए दिखाई देंगे, कन्फर्म खेलेंगे, आरसीबी टीम उन्हें बैक करने वाली है। हेजलवुड जो है जिस तरह के गेंदबाज हैं, जिस तरह से उन्होंने आरसीबी टीम के लिए इस बार गेंदबाजी की है, शायद से आरसीबी टीम उन्हें आईपीएल 2023 में भी रिटेन भी करेगी। हेजलवुड ने आरसीबी के लिए इस बार जो है स्टार्टिंग में 2 ओवर्स डाले हैं, इसके अलावा डेथ में भी 2 ओवर्स डाले हैं। जब भी टीम को विकेट्स चाहिए होते हैं, हेजलवुड जो है विकेट्स निकाल के देते हैं, टाइट लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा यॉर्कर्स है उनके पास अच्छी खासी स्लोअर वन है, सारे ही वेरिएशन उनके पास मौजूद है, बेहतरीन गेंदबाज है। इसलिए आरसीबी टीम उन्हें आखिरी मैच के लिए भी बैक करने वाली है, उन्हें ड्रॉप नहीं करेगी। और जो भी खबरें आ रही है कि हेजलवुड के प्लेस पर जैसन बेरेंडॉफ को मौका मिलना चाहिए, खबरें सारी गलत हैं। हेजलवुड हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, आरसीबी टीम उन्हें बैक करने वाली है। तो भाइयों, ये थी हमारी वीडियो जॉश हेजलवुड को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।